नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा को जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृष राशि के वर्ष 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वृष राशि के करियर को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, पारिवारिक स्थिति को लेकर, साथ के साथ भाग्य को लेकर, सप्तम भाव या दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र, और साथ के साथ आपके बिजनेस को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, लाभ को लेकर और धन को लेकर, यानी यह वर्ष आपका कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किन भावों के अंदर हैं और कहां आपको यहां पर उन्नति देखने को मिल सकती है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे खुद जीवन राशिफल के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे कुछ जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और ईष्ट भगवान से संबंधित सभी जानकारी। आइए वृष राशि के राशिफल को हम शुरू करें। उससे पहले हम जानते हैं कि वृष राशि के स्वामी कौन है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वृष राशि के स्वामी को लेकर। वृष राशि यानी दूसरे नंबर की राशि है। अगर हम राशि के हिसाब से बात करें, शुक्रदेव इसके राशि स्वामी हैं, तो शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं सभी फलों के, सभी ग्रहों के, सभी भावों के, फलों के हिसाब से शुक्र का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शुक्र के गोचर की हम शुरुआत करें, यानी जनवरी 2023 से हम बात करते हैं कि कैसा गोचर रहने वाला है और किन किन भावों में शुक्र अपना गोचर कर रहे हैं और राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी इस वर्ष के शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव मकर राशि में 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं वृष राशि वालों के लिए। देखिए, वृष राशि वालों के लिए 9th हाउस जो है वो भाग्य का भाव माना गया है, और अगर यहाँ पर मकर राशि आ रही है और मकर राशि के स्वामी भी शुक्र के साथ में गोचर कर रहे हैं, बहुत ही शुभ फल है अगर मैं वर्ष के शुरुआत की बात करूँ, क्योंकि भाग्योदय का एक सूचक कहा गया है। राशि स्वामी अगर भाग्य भाव के स्वामी के साथ में गोचर करता है, वो भी भाग्य भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। उसके बाद शुक्रदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है यह समय, क्योंकि शुक्र का मीन राशि में गोचर, उच्च के होकर गोचर करना राशि स्वामी का, साथ के साथ अगर मैं बात करूँ शुक्र यहाँ पर 6th हाउस के भी स्वामी हैं, वहाँ पर अगर 11th हाउस में गोचर करना बहुत शुभ माना गया है। राशि स्वामी उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं, कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है, जिस भी कार्य के अंदर आप अपना कार्य कंप्लीट करने वाले हैं उसमें सफलता अवश्य मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शनि के गोचर की हम बात कर लेते हैं, तो शनिदेव 17 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करके, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 9th हाउस और 10th हाउस यानी दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, 9th हाउस यानी भाग्य, 10th हाउस यानी करियर, जॉब, इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर शनि ही कारक माने गए। अब हम शनि की बात करें, 17 जनवरी तक शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि 10th हाउस में आती है, 10वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में गोचर बहुत शुभ माना गया है, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर उन्नति को दर्शा रहा है। अगर हम चंद्र लग्न से भी बात करें, यानी जन्म के चंद्रमा से भी बात करें, तो शनि का गोचर 10th हाउस में हो रहा है, जो कि शुभ गोचर माना गया है। 3, 6, 10 और 11 इन भावों में चंद्रमा से गोचर, जन्म के चंद्रमा से गोचर शुभ है। शनिदेव इस भाव के अंदर यानी दशम भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाले हैं, आपका 10th हाउस एक्टिवेट होने वाला है, कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है, आपकी उन्नति होने वाली है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करें 12th हाउस के ऊपर है, और अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो 4th हाउस के ऊपर है, और दशम दृष्टि की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के ऊपर है। देखिए, भावों का एक्टिवेट होना कहीं ना कहीं उन भावों से रिलेटेड फल मिलने के संकेत देता है। 10th हाउस एक्टिवेट है, 12th हाउस एक्टिवेट है, 4th हाउस एक्टिवेट है, साथ के साथ 7th हाउस भी शनि ने एक्टिवेट किया हुआ है। तो यहाँ पर शनिदेव ने चार ग्रहों को एक्टिव यानी चार भावों को एक्टिवेट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फल जो है वो 4th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस, 10th हाउस से रिलेटेड हो सकते हैं। 10th हाउस यानी करियर, जॉब से रिलेटेड। 7th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7th हाउस के अंदर शनि की दशम दृष्टि है, और 7th हाउस जो है वो बिजनेस का पार्ट कहा गया है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भी भाव कहा गया है, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी भाव कहा गया है। हालांकि वृश्चिक राशि 7th हाउस के अंदर है, जो कि शनि की मित्र राशि
नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, सेवेंथ हाउस एक्टिवेट है, लेकिन कहीं ना कहीं फल उतने अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बिजनेस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं जॉब को लेकर, तो यह बहुत ही शुभ समय माना गया है। लाभ भाव के स्वामी की बात करते हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के शुरुआत में मीन राशि से, स्व राशि से लाभ भाव के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। एकादशेश का एकादश भाव से गोचर करना, यानी लाभेश का लाभ भाव से गोचर करना, लाभ को दर्शाता है। आप पर शुक्र भी अगर गोचर करने आएंगे जब मकर से कुंभ, कुंभ से मीन के अंदर, तो बहुत ही शुभ समय है। लाभ भाव के स्वामी और चंद्र लग्न के स्वामी दोनों का एकादश भाव में बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पंचम दृष्टि से, अगर मैं बात करूँ, तीसरे हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, और अगर मैं नाइन्थ नवी दृष्टि से बात करूँ तो सातवें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेवेंथ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए, जिनकी भी जातक जिनकी शादी नहीं हुई है, और शादी होने के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अच्छे योग भी दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। नए बिजनेस की शुरुआत भी वृष राशि वाले यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर है, कुछ भी नया स्टार्टअप भी वृष राशि वाले यहाँ पर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पार्ट के अंदर भी, राइटिंग के पार्ट के अंदर भी यहाँ पर वृष राशि वाले जा सकते हैं। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सप्तम दृष्टि, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के अंदर भी सफलता के योग भी दिखाती है। आइए देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन की बात करें, तो 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो लगभग एक साल 13 महीने इस राशि के अंदर, यानी मेष राशि के अंदर रहने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का 12th हाउस में गोचर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं लाभ भाव के स्वामी, और लाभ भाव के स्वामी का द्वादश भाव खर्च के भाव में कहीं ना कहीं गोचर धन को लेकर थोड़ी सी परेशानी दिखा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ 8th हाउस के स्वामी भी हैं, और 8th हाउस के स्वामी का 12th में गोचर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण भी करता है। तो कहीं ना कहीं यह गोचर देवगुरु बृहस्पति का भी एक मिश्रित फल देने वाला है। यानी 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, लाभ की मात्रा अच्छी रहने वाली है, कहीं परेशानी नहीं आने वाली। उसके बाद में इस पूरे साल के अंदर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, और वहाँ मेष राशि जो है वो 12th हाउस के अंदर है, इसके कारण मिश्रित फलदायी देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाग्य के बाद में अपने करियर को लेकर। तो जॉब और करियर की अगर हम बात करें, तो परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव दशम भाव के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं स्ट्रांग कर रहे हैं, अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाकर या चेंजेस होकर भी जो है आपके जॉब और करियर में उन्नति देखने को मिल सकती है। आइए धन को लेकर बात करते हैं, यानी बुध के गोचर को बात करते हैं। वर्ष की शुरुआत में धन भाव के स्वामी यानी बुद्ध देव 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ में। सूर्य बुद्ध आदित्य योग अच्छा योग है, लेकिन बुद्ध देव का 8th में गोचर उतना शुभ फलदायी नहीं है। धीरे धीरे जब बुद्ध देव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं 9th हाउस और 10th हाउस से जब होगा, यानी इस माह के बाद में जब बुद्ध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो यह गोचर आपको शुभ फलदायी रहने वाला है। बुद्ध देव पूरे माह के अंदर कहीं ना कहीं सभी भावों को यहाँ पर जो है वो टच करने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध अपना राशि परिवर्तन बहुत जल्दी करते हैं। बड़े ग्रहों की मैं अगर बात करूं इस 2023 वर्ष के अंदर, तो राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु देव मेष राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मीन राशि में आएंगे। केतु की बात करें तो तुला राशि से निकलकर वे भी 30 अक्टूबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। राहु का एकादश भाव में गोचर शुभ गोचर माना गया है। केतु की बात करें पंचम भाव के अंदर, कहीं ना कहीं मैं कहूं कि एजुकेशन के अंदर कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आप यहां पर अपने एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर मैं बात करूं यहां पर। तो राहु के 11th हाउस के गोचर की बात करें, शुभ गोचर है। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जो भी जातक का बिजनेस है उन्हें भी यहाँ पर फायदा होने वाला है, जो भी अभी तक उनको नहीं हो रहा था। तो 30 अक्टूबर के बाद में यह गोचर भी शुभ फलदायी रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ लाइफ पार्टनर से लेकर, तो मंगल के गोचर की हमें बात करनी पड़ेगी। मंगल देव वर्ष के शुरुआत में
वृष राशि से गोचर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अच्छी रहने वाली है लाइफ पार्टनर से, यहाँ पर संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कहीं परेशानी नहीं है। मंगलदेव सेकेंड हाउस के अंदर भी गोचर करना शुरू करेंगे। धन भाव है, शुभ समय है, कहीं ना कहीं सपोर्ट अवश्य मिलने वाला है लाइफ पार्टनर को लेकर। सूर्यदेव भी चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वे भी यहाँ पर धनु राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं वर्ष के शुरुआत में, जो कि हर माह में अपना राशि परिवर्तन करके कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी का गोचर अगर मैं बात करूँ 10th हाउस और 11th हाउस से होने वाला है, तो यह गोचर भी आपको शुभ फलदायी रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव में राहु का गोचर हो रहा है वर्ष की शुरुआत में, जो कि उतना शुभ फलदायी नहीं है। द्वादश भाव के स्वामी की बात करें तो मंगलदेव बनते हैं, जो कि जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, पार्टनरशिप के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में वृष राशि वालों के लिए जो भी बिजनेस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, और यह गोचर आपको शुभ फल ही देने वाला है। वर्ष के अगर आखिरी की मैं अगर बात करूं तो मंगलदेव यहाँ पर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है। यहाँ पर बिजनेस को लेकर शुभ आपको उन्नति देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्ष के आखिरी के अंदर, तो यहाँ पर राहु का गोचर जो है वो एकादश भाव में होगा, शनि का गोचर आपके दशम भाव के अंदर होगा, केतु का गोचर आपके पंचम भाव के अंदर होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें वृष राशि वालों के लिए, तो वर्ष 2023 कहीं ना कहीं धन संबंधी और आपके जॉब और करियर से लेकर अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आपके बिजनेस में मिश्रित यहाँ पर फलदायी रहने वाला है। भाग्य में वृद्धि रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होने वाली है। और अगर मैं बात करूँ एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन में आप कुछ न कुछ यहाँ नया सीखने की कोशिश अवश्य करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी जातक हैं, कम्युनिकेशन पार्ट से जुड़े हुए जो भी जातक हैं, राइटिंग से रिलेटेड जो भी अब तक इस अपने बिजनेस और करियर में जुड़े हुए, उनके लिए यह शुभ गोचर रहने वाला है। धन्यवाद।